हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो पे जिसका टाइटल है अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बुराक एंड वाक्याय मिराज। देखिए, बुराक पहली बार हमने वर्ड सुना है। बुराक किस चीज के बारे में है और क्या है बुराक, ये हमें नहीं पता है। लेकिन मिराज से अगर मुझे याद आ रहा है, मिराज उसे कहते हैं कि हमें कोई चीज दिखना जो ना हो, मतलब जैसे रेत में पानी दिखता है, जैसे जो चीज की हमें बहुत ज्यादा तलब होती है और वो चीज हमें नहीं मिलती तो वो हमें दिखती है, उसे मिराज कहते हैं आई थिंक। जैसे अगर कोई रेगिस्तान में है तो उसे पानी दिखना वो मिराज होता है एक तरीके से, या कोई कहीं और है, जैसे कहीं भी एटलीस्ट आप सपोज कर सकते हो। लेकिन कोई चीज ऐसी जो नहीं दिख, जो नहीं है और लेकिन हमें वो दिख रही है, बेस्ट एग्जांपल तो इसका मिराज हम रेगिस्तान वाला यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर हम देखेंगे कि वाक्याय मिराज क्या है, बुराक से क्या रिलेटेड है, और इस वीडियो के अंदर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो जाहिर सी बात है इस्लाम से क्या लेना देना है इस वीडियो का। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिए आप वीडियो को। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। बुराक, हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मिराज के लिए अता की गई थी। ओके। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाजों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचे। आपने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया और मिराज में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहां से सात आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंची। वाकई मिराज अल्लाह ताला का एक मौजजा है, जिस तरह से हर मौजजे को समझना और साबित करना इंसानी अकल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मिराज के सफर और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौजजात की मिसालें हमें तारीख में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजजात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। और इनको मौजजात कहा इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी कायनात के निजाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज रफ्तार, जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे खला में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फर्ज करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की जबान में टाइम डायलेशन कहते हैं। इस साइंटिफिक टर्म का समझना सफरे मेराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्क अरबी जबान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सफर कर सकती है, यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द एक सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब है बर्क की जमा, यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज्यादा है। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफरे मिराज करने के बाद वापस तशरीफ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था, हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान रात का सिर्फ कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफर चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। टाइम डायलेशन। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत से तोम परफ्ताना ख्यालात और बिदाताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 अहादीस मुबारक में वाज तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनके अलावा जो कुछ भी तसव्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सब के सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ये हदीसे मुबारका की सबसे अथेंटिक और मोतबर किताबें हैं, जिन पर तमाम आलम दीन इतफाक करते हैं। इन हदीसे मुबारका से हमें पता चलता है कि सवारी को जन्नत से लाया गया था। इसका साइज घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था। इसके कदम इतने बड़े थे कि जहां तक इसकी नज़र जाती थी, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपसे ट्विन पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने जाना था कि वक्त खला में 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए अलग अलग बर्ताव करता है, यानी अगर कोई शख्स खला में मौजूद है और बिजली किसी तेज रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा, जबकि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए वक्त चलता रहेगा।
कुरान पाक के अंदर भी वाकया मेराज से मुतल्लिक कुछ यही बताया गया है। ये तो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज करके वापस तशरीफ लाए, लेकिन दुनिया का वक्त नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज पर जन्नत और जहन्नुम दोनों का मुशाहिदा किया, यानी जन्नती और जहन्नुमी दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की सजा और जजा का फैसला होना भी बाकी है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नुम में कैसे देख लिया? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करता है तो वो वक्त में सफ़र भी कर सकता है, यानी टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हटकर मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हरकत कर रहा है। इसके अलावा हदीसे मुबारका में यह बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए, यानी सात आसमानों को पार करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आज साइंस इन आसमानी दरवाज़ों के लिए वार्म होल या ब्लैक होल की इस्तलाह पेश करती है, जिसके बारे में आज हर शख्स जानता है, लेकिन याद रहे कि ये बातें 1400 साल पहले अरब के सहरा के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने अपनी उम्मत को समझाई। इस दौर के अंदर मेजरमेंट के लिए ना तो कोई आलात थे और ना ही कोई स्केल के स्टैंडर्ड्स थे, लिहाजा अगर उस वक्त किसी चीज़ के साइज के बारे में बताना होता तो किसी दूसरे जानवर या चीज़ के साथ उसका मुवाजना बताया जाता। इसीलिए बुराक के साइज को समझने के लिए इंसानों को घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़े बड़े की इस्तलाह इस्तेमाल की गई है। और सबसे हैरत की बात यह है जो इस सवारी के बारे में मशहूर है कि इसके दो पर थे, ये बिल्कुल झूठ है और ना ही इसका हदीसे मुबारका में कोई जिक्र मौजूद है। दरअसल इस तरह की इस्तलाहें हिंदू मजहब के अंदर इनके खुदाओं के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें इस्लामी रिवायात में भी मनगढ़ंत तरीके से शामिल कर दिया गया है। और इसके बारे में अगर आप चाहें तो खुद विकी इस्लाम पेज पर जाकर खुद से इसे पढ़ सकते हैं, वहाँ ये तमाम वजाहत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो इसको इनलॉजिकल बनाती है वो ये है कि अगर बुराक के वाकई दो पर मौजूद थे तो फिर हमारी ज़मीन के ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई हवाई मौजूद नहीं है, सो बिना हवा के ये पर भला किस काम के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परों को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जैसे कि हवाई जहाज़ के पर काम करते हैं। सो परों की इस्तलाह बुराक के बारे में इस्तेमाल करना अपने आप में ही एक इनलॉजिकल सवाल है। इसके अलावा हदीसे मुबारका से हमें यह भी पता चलता है कि ये जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, सो इसकी खूबसूरती की वजाहत करने के लिए चंद जाहिल लोगों ने इसके चेहरे को एक खूबसूरत लड़की के चेहरे से मंसूब कर दिया, यानी इनके मुताबिक इस जानवर का चेहरा एक खूबसूरत लड़की की तरह था। ऐसा तो नहीं होगा, ये सोच इन लोगों की घटिया जीनियत की अक्कासी करती है, क्योंकि इन लोगों के सामने जब भी खूबसूरती का नाम लिया जाए तो इनके दिमाग में सिर्फ औरत का ही ख्याल आता है, जबकि ऐसा दर हकीकत कुछ भी नहीं है। जानवर है तो जानवर ही होगा खूबसूरत। वाकया मेराज को आज से तकरीबन 1400 साल पहले सुनने के बाद बड़े बड़े मुसलमानों के ईमान डगमगा गए थे और वो ये सोच रहे थे कि मक्का से यरूशलेम तक का सफ़र, जो कई महीनों का सफ़र है, और फिर सात आसमानों की सैर करने के बाद रात के एक पहल के अंदर ज़मीन पर वापस आ जाना इनकी सोच के लिए नामुमकिन बात थी। सभी लेकिन ये अल्लाह ताला का मौजा था और लोगों के लिए निशानी थी, जिसे इसने अपने नबी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया ताकि इन निशानियों को देखने के बाद उनके ईमान मजबूत हो जाएँ। इस दौर के अंदर लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल, टाइम ट्रेवलिंग और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज ये तमाम की तमाम चीज़ें एक साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा ईमान यकीनन मजबूत हो जाना चाहिए, जैसा कि कई गैर मुस्लिम इस पर रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन आज भी इंसान खलाई तहकीक में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंसी बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है तो इसका जिस्म मासलेस हो जाता है और इसे अनफिनिट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी इसकी भी वजाहत हम इंसान साइंसी बुनियादों पर भी करने वाले हैं, और वो यकीनन इन्हीं बातों को सच साबित करेंगी जो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बयान की थी। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर अपनी निशानियाँ जाहिर करता है ताकि लोगों को अपने बनाने वाले खालिक की मौजूदगी पर ईमान और कामिल भरोसा हो जाए। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। देखिए इसके अंदर साइंटिफिक बातें बहुत ज़्यादा है, मतलब इस्लाम से रिलेटेड है, मतलब वाक्य बुराक ये है, बुराक का वाक्य और वाक्य मिराज ये है। एक सवारी थी बुराक नाम की, उस पर बैठ के वाक्य मिराज, मतलब वाक्य मिराज का सफ़र, ये मिराज का सफ़र तय किया था। तो ये इस साइंटिफिक इसलिए इसके अंदर बड़ा है क्योंकि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो दुनिया की सबसे
मतलब यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड अभी तक पॉसिबल ही नहीं है। ये आइंस्टाइन जी ने बताया था, कॉजलिटी को मतलब रूल को ब्रेक करता है ये रूल, तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट से तेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर अल्लाह को प्रेफरेंस देते हुए ये बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया गया है इस वीडियो के हिसाब से, तो कुछ ही पल में। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर हम स्पेस में हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो धरती के हिसाब से हम जल्दी वापस आएंगे, यहाँ पे टाइम रुक जाएगा, हमारे लिए धरती का टाइम रुक जाएगा लेकिन धरती का टाइम नहीं रुकेगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो है साइंटिफिकली, लेकिन इसके अंदर साइंस ज़्यादा घुसाई गई है। लेकिन वीडियो को सच्चाई से इसलिए बताया गया है कि ये चीज़ें सस्ती, ये इस तरीके से बताया गया है कि ये चीजें साइंस सच है। बट ठीक है, चलो हमारे तो मतलब अगर हम देखें तो ठीक है, इस यहाँ तक साइंस ह्यूमन पहुंचा नहीं है अब तक, ना ही कोई रूल है, ना ही कोई ऐसा फिक्स स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये सच है, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए लगा। बाकी वीडियो लाजवाब है, इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी आप कमेंट करना, लाइक कर देना हमारी वीडियो को, जाने से पहले सबसक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।